लैपटॉप सर्च कर रहे हो जो कि बेस्ट एंड लो बजट में होना चाहिए, तो MI ने कर दिया यहाँ पे लैपटॉप की दुनिया में एंट्री। आप कर लो वीडियो को जल्दी से लाइक, चैनल को कर लो इमीडिएटली सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हो और वीडियो को पूरा और एंड तक देखना जरूर ध्यान से, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल सब कुछ हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। है यहाँ पे MI का नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन जो आता है इंटेल के कोर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में। अब प्रोसेसर की बात करें तो ये 2 कोर और 4 थ्रेड का प्रोसेसर है जो 2.1 से 4.1 GHz तक ऑपरेट होता है और ग्राफिक का सपोर्ट इंटेल की तरफ से UHD ग्राफिक 620 सीरीज का प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेटेड किया हुआ मिल जाता है। इसमें आपको 8 GB का रैम मिलता है जो कि 2666 MHz पे ऑपरेट होता है। ये DDR4 सीरीज का रैम है और 256 GB का SSD वेरिएंट का स्टोरेज ड्राइव आपको मिल जाता है। हार्ड डिस्क और जो रैम है ना, इसके एक्सपेंशन के बारे में कंपनी ने यहाँ पे कुछ भी ऑफिशियली क्लैरिफाई किया नहीं है। वैसे अगर आप देखना चाहो तो इस प्रोडक्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हो। अब एक्सटर्नली इस लैपटॉप को देखें तो इस लैपटॉप का जो एक्सटर्नल डिजाइन है ये काफी नीट, क्लीन एंड सिंपल है। हालांकि साइज वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा हद से ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है। 1.5 kg रॉ लैपटॉप का वेट है। नॉर्मल सिल्वर कलर में आपको यूजुअली अवेलेबल मिलता है। जैसे हम इस लैपटॉप को ओपन करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं हम इसके कीबोर्ड पे, तो इसका जो कीबोर्ड का डिजाइन एंड लेआउट है मैं कहूंगा इट्स काइंड ऑफ ओके, इट्स नॉट एज गुड एज अदर ब्रांड्स ऑफर। मतलब बटन टू बटन का जो गैपिंग है, जो डिजाइन एंड लेआउट है, जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक हो जाएगा। और इसका जो टच पैड का साइज है ये थोड़ा और ये लोग बेटर तरीके से डिजाइन कर सकते थे, बट इट्स काइंड ऑफ ओके डिजाइन है। मतलब जो आपका यूजर और टाइपिंग एक्सपीरियंस होने वाला है एक्सटर्नल कंडीशन में ये ठीक ठाक हो जाएगा। हालांकि टच पैड का साइज मुझे 14 इंच के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा ही छोटा लगा अदर ब्रांड्स के कंपेयर में। अगर ये मॉडल आप एक्सटर्नल कंडीशन में यूज करने का सोच रहे हो तो अगर आप एक एक्स्ट्रा माउस कैरी कर सकते हो तो दैट विल बी अ बेटर आइडिया। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो इसके राइट साइड में एक ऑडियो कॉम्बो जैक और एक USB वर्जन 2 का एक ही पोर्ट मिलता है। और जैसे ही हम आते हैं इसके लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे हमें दिख जाता है USB वर्जन 3 के 2 पोर्ट, HDMI केबल का सपोर्ट और चार्जिंग पिन कनेक्टर। हालांकि पोर्ट वाइज देखा जाए तो इसमें पोर्ट्स की काफी कमी है, मतलब और ज्यादा USB टाइप सी, USB वर्जन 2 के एक और एक्स्ट्रा पोर्ट्स हो सकते थे अगर आप एडिशनल कंडीशन में इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर यूज करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिसिंग लग सकता है। जैसे ही हम नजर डालते हैं इसकी स्क्रीन पे तो इसका जो स्क्रीन का डिजाइन एंड लेआउट है ये काफी अच्छा है। मतलब जो बेजल्स है वो काफी पतले है, नीचे का जो बेजल है वो ठीक ठाक तरीके से है MI के ब्रांडिंग के साथ में। हालांकि ये एक HD डिस्प्ले है जो एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसमें से निकलने वाला जो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन का रेशियो है वो भी काफी बैलेंस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे बनाया है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको एक्सटर्नल कंडीशन में कोई डायरेक्ट सनलाइट में यूज करना चाहते हो तो वहां पे आपका यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होने वाला है। कोई छांव में ठीक ठाक यूजर एक्सपीरियंस हो जाता है और इंडोर कंडीशन में खास करके आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी बेटर होगा। इसमें आपको एक 720p का HD वेबकैम मिल जाता है जिसका आउटपुट क्वालिटी ऑन एन एवरेज है। मतलब इसका जो वेबकैम है ये मार्केट के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग डिसेंट है। मतलब अगर आप बिजनेस से कोई ऑफिस के सेशंस वगैरह अटेंड करना चाहते हो, कोई कोचिंग क्लास वगैरह अटेंड करना चाहते हो तो वहां पे आपको एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे देगा। लेकिन अगर आप उससे कुछ ज्यादा और हायर चीज की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। इसमें आपको विंडोज 10 का होम एडिशन का 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है और साथ में ऑफिस 365 का 1 month का ट्रायल पैक ही मिलता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है जिसका साउंड एंड आउटपुट क्वालिटी भी इट्स डिसेंट है। कुछ हाई अमाउंट का एक्सपेक्ट मत करना। जो इसका स्पीकर का लाउडनेस है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो क्रिस्प एंड क्लैरिटी है वो ठीक ठाक है। मतलब इंडोर कंडीशन में आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे देगा। कीबोर्ड बैकलाइट का सपोर्ट कंपनी ने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपको 4 बैटरी सेल का सपोर्ट मिल जाता है 65W आउटपुट के एक फास्ट चार्जर के साथ में जो 0 to 50% 35 मिनट में चार्ज करने की एबिलिटी रखता है। कंपनी क्लेम करता है कि फुल चार्ज के साथ आप इसको 10 घंटे तक बड़े ही आराम से यूज कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का काम आप कर रहे हो। अगर आप कोई हैवी ग्राफिक रिलेटेड वर्क वहाँ पे कर रहे हो तो डेफिनेटली बैटरी लाइफ जो है वो सफर करता है। इस लैपटॉप को कंपनी ने खास करके स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया है, क्योंकि इसमें आपको एक मेटल बॉडी का फ्रेम मिलता है, लेकिन मेटल जो है वो 100% मेटल नहीं है, उसको अदर मटेरियल्स के साथ डोप करके बनाया गया है। तो ये एकदम हार्ड एंड टफ रगेड मेटल वाला डिजाइन नहीं है। लेकिन हालांकि अगर आप इसको ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे एक्सटर्नल कंडीशन में यूज कर रहे हो तो वहां पे ये आपको काफी अच्छा साथ देगा, काफी अच्छा कंफर्ट दे देगा। अब अगर बात करें
स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए यू नो ये थोड़ा सा ऑन एन एक्सपेंसिव साइड हो जाता है अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है तो डे टू डे लाइफ यूजेज में यूजर एक्सपीरियंस और जो प्रोसेसर है इसका काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर के साथ में जो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो स्टूडेंट्स और ऑफिस गोइंग पर्सन जो एकदम बेसिक लेवल का काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस तो यहाँ पे स्मूथ होने वाला है, लेकिन अगर कोई गेमर हो आप या फिर कोई वीडियो एडिटिंग कोडिंग वगैरह के हाई एंड की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि अगर आपका काम एकदम ही बेसिक है तो वहाँ पे आपको एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसका जो मार्केट प्राइस है ना वो वेरी करता है समवेयर बिटवीन 36,000 से लेकर के 42,000 के बीच में, क्योंकि इंडिया में फेस्टिव सीजन्स चलते रहते हैं, तो फेस्टिव सीजन्स के चलते इसका जो प्राइस है ना ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में अप डाउन होता रहता है। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखना चाहते हो तो इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। ये था एक कंप्लीट रिव्यू ऑन MI नोटबुक 14 विद इंटेल कोर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर। वेल वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से कर लो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर लो इमीडिएटली सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाते हुए इस वीडियो को ना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे फिट, टेक केयर, बाय।